थानागढ़ के मछरिया गांव में आज सुबह हुई घटना। कालाबाजारी के विरोध में ग्रामीणों का हंगामा। भारी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर। राशन डीलर फरार। मुंडा पांडे मछरिया गांव में आज सुबह राशन की दुकान से कालाबाजारी को जा रहा 48 क्विंटल गेहूं ग्रामीणों ने पकड़ लिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों और पुलिस ने 2 गाड़ी राशन का गेहूँ जब्त कर लिया। मछरिया गाँव का राशन डीलर कार्ड धारकों को राशन देने की जगह उसे ब्लैक करता आ रहा था। गाँव के लोग परेशान थे और आज उन्होंने कालाबाजारी को ले जाया जा रहा गेहूं रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्राम प्रधान अजय कुमार ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने राशन डीलर राजपाल सैनी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि राशन डीलर 5 की जगह 4 किलो प्रति यूनिट लोगों को राशन देता था। ग्राम प्रधान ने पुलिस को तहरीर देकर मामला दर्ज करने की मांग की। पूर्ति निरीक्षक शिखा पांडे ने उप जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट पेश कर आगे की कार्यवाही करने की बात कही है। इस बारे में अब जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जल्द ही मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। कहाँ रहते हैं आप? मछरिया। क्या मामला है जो आज राशन डीलर को पकड़ा है? मामला जो है, मैं प्रधान का बड़ा भाई हूँ और राशन डीलर को रंगे हाथ पकड़ा है। मैं खुद राशन लेने जाता हूँ, मेरे 6 यूनिट है, 30 किलो राशन मेरे को मिलना चाहिए 6 यूनिट का। पैसे पूरे 72 रुपये लेता है लेकिन जो है राशन देता 28 किलो। मेरे से भी ये बोल दिया है साहब, किसने बोले लेना है तो लो और नहीं लेना है तो मत लो, कहीं और से ले लो राशन। मैं तुम्हें 28 किलो दे भी रहा हूँ और को तुम्हें 1 किलो यूनिट पर कम कर देता हूँ, यानी कि 24 किलो मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हें मैं 28 किलो दे रहा हूँ अपना मेरा तो इतना बोला। तो इसकी दबंगाई इतनी क्यों है जी? अब ये तो पुराने प्रधान के अंडर से हुआ है, ये हुआ था, हमारे से तो कुछ है नहीं, हमें खुद नहीं दे रहा पूरा राशन, तो हम बताओ क्या करें? क्या इसके ऊपर राजनीति का? मैंने एक बार 10 क्षेत्र पे भी कॉल किया था, फिर हुआ कोई केस इसके खिलाफ, उसके बाद में फिर इसने उस दौर में पूरा देना शुरू कर दिया था। अच्छा, फिर दो एक महीने पूरा दिया, फिर उसके बाद फिर कम कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं? अब तो यही चाहते हैं सब कोटा नेक्स्ट होना चाहिए और उससे बड़ी कोई कार्रवाई चाहते हैं? और क्या, और क्या होना, जो जेल होगी वो तो होगी, जो जिसने 3-4 साल में घोटाला करा है इसका भी हिसाब मिलना चाहिए। लगभग कितना माल पकड़ा है? लगभग 50 क्विंटल है। ठीक है, धन्यवाद। ये गांव सूचना मिली थी, मछरिया गांव है मुदा पांडे गांव का, वहां पे सूचना मिली कि जो वहां के उचित अधिकारी एक ऑटो से दूसरे ऑटो से कुछ अनाज बाहर ले जा रहे हैं कालाबाजारी की मदद से। इस संबंध में गाँव वालों की सूचना के आधार पर जो क्षेत्रीय पुलिस निरीक्षक श्रीमती शिखा पांडे जी हैं उनको भेजा गया। उन्होंने जाके मौके पे वहाँ मौके पे कुछदार नहीं मिला, उचित विक्रेता नहीं मिला। एक ऑटो में करीब 22.5 क्विंटल चावल जा रहा था, उन्होंने उसको मौके पे सीज कर लिया और कार्रवाई कर लिया। इस संबंध में क्योंकि वो सरकारी बोरे में नहीं था तो चावल के क्वालिटी का मिलान जो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर के